नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल समय, हूं आपके साथ स्मृति सा। आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। उल्लासनगर शहर में घर में चोरी की घटनाएं आम सी बात हो चुकी है, लेकिन इस पर अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। हाल ही में पुलिस ने घर में चोरी के मामले में जांच शुरू की, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हिल लाइन पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच करते हुए कई घरों में चोरी करने वाले गुट को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लाखों रुपए के जेवरात और सामान बरामद किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना इस मामले में डीसीपी प्रशांत मोहिते का। हाँ सर, हाँ, ये 18 तारीख को हिललाइन पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक घरपोड़ी के संदर्भात एक क्राइम रजिस्टर हुआ था। उसका इन्वेस्टिगेशन पीएसआई माड़ी कर रहे थे। उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान खबर मिली कि कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल्स है जो चोरी करने में एकदम माहिर है, वो नेवाली एरिया में घूम रहे हैं। तो उन्होंने 19 तारीख को वहाँ पर ट्रैप लगाया। ट्रैप के दौरान उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसमें राजू मिरे, परमेश्वर गायकवाड़ और प्रकाश पवार, ऐसे 3 आरोपी और एक माइनर लड़का, ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और सभी आरोपियों के पास जब उन्होंने इंट्रोगेशन किया तो उन्होंने 6 घरपोड़ी के गुने करने की कबूली दी। इस सिलसिले में हिललाइन पुलिस स्टेशन में 2, विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में 3 और मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में 1, ऐसे 6 गुने दाखिल है। इन आरोपियों का 26 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड हमको मिला है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी क्राइम्स हमको डिटेक्ट होने की संभावना नजर आ रही है। अब तक हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग सोने चांदी के जेवरात और एक मोटरसाइकिल, ऐसे 12,73,000 रुपए का मुद्देमाल हमने रिकवर किया। इनका बैकग्राउंड, ये तीनों आरोपी जो है ये मराठवाड़ा से है, ये पत्थर फोड़ने का काम करते हैं। ये 10 तारीख को नेवाली में आए थे, ये एक दूसरे के रिश्तेदार है। इनकी और 2 आरोपियों से पहचान हो गई थी और ये 5-6 लोगों ने मिलकर ये चोरियाँ की है। जो वांटेड 2 आरोपी है उनके तलाश हिललाइन पुलिस कर रही है। अरे कैसे चोरी करते थे ये? बेसिकली बंद घरों में चोरी करते थे। इनके पास आयरन रॉड थे, कटावनी थी, उसके सहायता से ये घर में एंट्री करते थे और चोरी करते थे। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज़।